Vilayat Khan became a legend in his lifetime because his genius expressed itself in many ways. His contribution as an artist to his society and his times encompassed a wide range. His superlative playing of the sitar set standards that the following generation will have to strive to attain. As an innovator of the ancient instrument, he made fundamental changes that have come to stay in the combination of strings in the sitar. He was at once a traditionalist who could blend in his own form of radicalism and imaginative innovation to the classical norms of Hindustani music. The music of the Itawa Gharana, to which he belonged, flowered into an exciting new expression in his magical hands. Above all, he was one of the greatest gurus of style in his rendering of the Gayaki Ang, for which he remains so justly famous. A unique original musician, he remained deeply rooted in the Imdad Khani tradition he inherited, even as he evolved further towards his own inimitable style. Vilayat Khan represents a very complex blend of orthodoxy and radicalism, yet he regarded himself as a traditional purist, but critical opinion often saw him as a radical whose innovations have been widely accepted and in fact have shaped our living musical tradition. His compositions and presentation modes, inspired by traditional vocal music, helped him to create a revolutionary instrumental style. क्लासिकल मौसीकी है, क्लासिकी मौसीकी, और अंग्रेजी में इसको क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, जिसका मैंने अरबी में मतलब जो निकाला तो मुझे पता लगा कि ये रिसर्च्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। जो सारे काम पादा नहीं सको उन्होंने बड़ा रिसर्च किया, ये मसला तो इसका नाम है रे, रिसर्च किया। तीवर गंधार, ये सा की श्रुति है। तो इसी तरीके से आपने जैसा फरमाया कि मैं फिर से बजाऊं, इसी रिसर्च्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन एक बड़ी अच्छी चीज ला करके इन्होंने डाल दी। जो उपजत अंग स्वभाव, वो जो उपज आ रही है अंदर, वो एक दफा जो आ जाती है उसी फ्रेम में रह के हजारों कसम से नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। असल में सितार म्यूजिक, संगीत, वोकल, तबला, कोई भी चीज है, सबसे पहली चीज है आवाज। आज सुबह ही मुझे भैरवी की तालीम हो रही थी, तो अब्बा बजाते मुझे चीजें बिठा रहे थे, मैं बजा रहा था, लेकिन एक वो मेरे को खुशी नहीं हो रही थी जो मैं बजा रहा था, क्योंकि एक बात नहीं आ रही थी। तो मैंने अब्बा से पूछा, मैंने कहा अब्बा आप
जो चीज़ बता रहे हैं मुझे, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, वही मैं बजा रहा हूँ, लेकिन इसमें ये बात क्यों नहीं आ रही है? कहने लगे बेटा ये फीलिंग की बात है, ये टच की बात है, ये टोनैलिटी की बात है। तो मैंने कहा अब्बा मुझे क्यों नहीं आएगा ये टोन, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? तो कहने लगे ये चीज़ सीखने की चीज़ नहीं है और सिखाने की चीज़ नहीं है, ऐसे ये चीज़ है महसूस करने की। जाके एटमॉस्फेयर इतने से में बन जाए। अब देखो आज के बड़ा जो एक आज डिस्कशन करने में एक बात आई है कि आज का संगीत हमें कहाँ ले जा रहा है। एक वो दिन का संगीत था जो हम आंख बंद करते थे और कान से देखते थे, आज का संगीत है हम कान बंद करते हैं और आंख से सुनते हैं। और गाने बजाने का रूप जो है वो तो सिर्फ शोर मचाना तो नहीं है ना, बहुत से जगह पर पिलाया जा रहा है अंदर, इंजेक्ट जा रहा है उसको, उसको पिलाया जा रहा है अंदर, डाला जा रहा है, प्रीच किया जा रहा है उसके अंदर, कि वो थोड़ी देर के बाद सुनते सुनते ऐसा हो जाए कि जब मैं सितार बंद करूं और उसके पास जाऊं, आपको अच्छा लगा बोले, क्या समझे आप? तो बेसाख्ता होकर ये कह दे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम कि तुमने मुझे मूव करा दिया। तो मैं ये टोन रखता हूँ कि चिकारी के बजने में अब मैं अपना कंट्रोल करता रहूँगा माइक्रोफोन से। ये जैसे तबले में भी कर देते हैं कि वो कहते हैं ऊँचा करो ऊँचा करो, और तबले में से कुत्ते की आवाज़ आने लगती है, ता भू भू ता ता भू, तो वो ता धिन धिन ता। मीडियम उसमें मिडिल में अगर उसका साउंड का वो रखें तो तबले का कंट्रोल और सितार का कंट्रोल हम लोग हाथ से करते हैं। संगतकार हैं आप हमारे, मैं आपका संगतकार नहीं हूं। या तो आप सीधे बजाओ मेरे साथ, मैंने तो जिंदगी भर यही किया और चिल्ला के टेलीविजन में और फिल्म में चिल्ला के बोल रहा हूं, उसकी हिस्ट्री रह जाएगी। अगर किस कोई भी तबलिया जिंदगी में टेम्पो करने आया, मैं पहले शुरू ही नहीं करने दूंगा उसको, ऐसी गत बजाऊंगा कि वो पूरी चौकड़ी भूल जाए। आए कोई ऐसा? मैं तो जब करता हूँ तैसे, और जिंदगी भर मैंने यही किया कि जब मैंने देखा कि अरे बाप रे बाप ये तो बिल्कुल तना फुना आ रहा है, तो मैंने गति ऐसी शुरू करके मुंह फेर लिया, ठेका ही पकड़ लो। तो मतलब ये है कि तुम संगतकार हो मेरे, मैं नहीं हूं संगतकार तुम्हारा। जब तुम सोलो तबला बजाओगे तब मैं लहरा बजाऊंगा, बहुत नरम बजाऊंगा कि तुम्हारी आवाज पूरी सब लोगों के कान पे पहुंच जाए। मगर कंसेप्शन ऑफ संगत खत्म हो गया, कंसेप्शन लेते रे की, अब तो ये कंसेप्शन आ गया है और इसमें लाउड और ऐसा धीरे धीरे किया जाए और कूले पीट जाए कि लोग बीच में तालियां बजाएं, ये कंसेप्शन अब म्यूजिक का आ गया है। वीदा धरे गुनी आना
विद्या दैर अब विद्याधर गुनियों सो कहा अरिये गुण चर्चा की लड़ाई लड़िए गुण चर्चा की लड़ाई लड़िए शोर मचाने वाली लड़ाई मत लड़िए। Vilayat Khan, he was more deeply concerned with the unwavering pursuit of his own excellence and in upholding the pristine values and the qualities of Hindustani classical music. Little of his work has been done in any other context than the strictly classical one. এর মধ্যে প্রায় হাফ অফ দ্য পিপলকে আমি জীবনে দেখেছি ছোটবেলা থেকে। বেবু এক কাগজ পেন্সিল লেকে মেরে মেয়ে বহুত সে নাম ভুল গিয়া হুম এক কাগজ পেন্সিল লেকে যহাঁ সে শুরু করো আর কিসমত বহুত অচ্ছি হ্যায় আজ লকি হু ইয়ার কি সবকে নাম ইসকে নিচে লিখে হ্যায় हमारे यहाँ बहुत सी तस्वीरें हैं उनका नाम मुझे नहीं मालूम यही की तस्वीरें हैं बहुत जो नाम नहीं मालूम तो मैं भूल गया हूँ अभी इस उम्र में आके सबके प्लीज तुमको आज ड्यूटी दिया है तुमको और नताशा को वो पिक्चर एसोसिएट कैसे करेंगे मैं कर लूंगा मुझे मैं देखता सिर्फ नाम लिखना है। आज मैंने इनको देखा तो मेरे को देखते ही राजा भैया गणपत राव तो विलायत खान वाज ट्रूली यूनिक अ प्राउड नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रेडिशनलिस्ट who in fact felt liberated rather than bound by traditions he deeply respected. In an ever-transient world where the winds of change blew constantly, he was a living monument to an excellence that remains timeless. On his 75th birthday, Vilayat Khan was presented with a unique expression of his own greatness when younger artist Ullas Kashulkar from a different gharana, sang the Sanj Saravali Raga, which is a preserve of Khan Sahab's own musical thought and tradition. कभी गुलों की तमन्ना थी अब ये आरजू है
मेरी खिजां को मयसर कभी बहार ना। मेरी जिंदगी का दुख यही रह गया कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं। सब ने मुझे बड़े दूर से देखा, एंग्री मैन, मूडी मैन। अरे एंग्री मैन क्यों होगा, मैं तो बचपने से बच्चा ही रहा, कभी बड़ा ही नहीं हुआ। मैं तो संगीत में भी बड़ा नहीं हो सका, अभी भी अपने आप को शागिर्द और शिशु पशु समझता हूँ। मगर अफसोस की बात है कि वो बहुत करीब आके मुझे देखा नहीं किसी ने। लेकिन मेरा भी एक बड़ा अच्छा रहा वाकया, तुम रूठे तो हम छूटे। किसी ने करीब से आके देखा होता, अंदर झांक के देखा होता कि किस कदर नाजुक तबीयत मेरी है। मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा ये भी लिखा है, मोहब्बत में भी आता है ऐसा एक वक्त इंसान पर, सितारों की चमक से ठेस लगती है लगे जाता है। इतना सोचने वाला अगर कोई इंसान है, अरे भाई तुम मुझे चूची काटोगे तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, तो जरूर चिल्लाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स करते हो, डर्टी पॉलिटिक्स करते हो, चूहे बिल्लियों को मेरे सर पे ना चाहते हो, तो मैं खुजाऊंगा भी नहीं। अब मैं क्या बोलूं यार लोगों से। और मुझे अगले दिन बोल रहे हैं ये जो भारत में जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बोलिए। अब मैं क्या बोलूं वहां जाके, दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे एक साधारण सा म्यूजिशियन एक जगह जाके बैठता है हॉल में, तो जब बजाते बजाते मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, सिख भी, सबको संगीत के जरिए मैंने एक जगह लाके बिठा दिया। और तुम नहीं बिठा सकते, कैसे तुम अपने अपने प्रोफेशन के जरिए कैसे सबको सरका रहे हो और मुझसे कहते हैं आप कुछ बोलिए। तो मैं क्या बोलूं, क्या दिखाऊं। तुम्हारे रूप हम जाने पहचाने, तुम्हारे रूप हम जाने पहचाने, एक ही नहीं रूप में तुम आए हो, पर नाना रूप में आए हो समझाने। अरे कितने कितने रूप में वो आ रहा है समझाने के लिए, और हम कह रहे हमारे समझ में नहीं आया कि दुनिया कैसी चलाई जाए। अगर नहीं चलाना आता तो हट जाओ अपनी जगह पे से, ठीक चलेगी दुनिया। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो डिस्टर्ब होना चाहता है, सब पीसफुल रहना चाहते हैं दुनिया में। रहने दो उनकी जगह पे, क्या कह सकता हूं। ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, सोचता रहता हूं, बैठा रहता हूं, कुछ कहूंगा तो मंसूर वाला हाथ हाल हो जाएगा, कुछ नहीं कहते चुप से बैठे हुए देख रहे हैं कि कहां जा रही है ये पूरी दुनिया, कहां जाना चाहिए और कहां जा रही है। अरे खा पी के तुम्हें चैन नहीं, परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो। शांति पीस अपने अंदर लाओ, लेकिन शांति और पीस पहले अंदर लाओ। इस घर को तो साफ करो, इसके दरवाजे तो खोलो। वो इस उसके उसके लाखों घर हैं, करोड़ों घर हैं, वो तुम्हारा नौकर है कि वो तुम्हारे घर में आके बैठेगा। पहले उसके दरवाजे खोलो, उसमें साफ सफाई करो, उसमें खुशबू लगाओ, उसमें उजाला पैदा करो। उसका किसी दिन दिल चाहेगा वो आ जाएगा, बैठेगा आके,
उस दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। एक जमीन पे पड़ा हुए पत्थर को तुमने खरीद लिया, मैं अनमोल बन गया। और सबके टांगों में फिर रहा था तो कोई देखता भी नहीं था कि कहाँ है। तो ऐसे ऐसे वक्त भी आते हैं, सब बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग हमारे पास हो, मेरा सितार मेरे पास है, तुम हमारे पास हो। दुनिया ने मुझे समझा नहीं, नहीं समझ। अच्छा यार, वही बात है कि तुम रूठे तो हम छूटे। तुम पान खिला देती हो, सितार बजा लेते हैं, ठीक से सो जाते हैं, ठीक से बाहर लोग आते हैं और वो लिख करके भेजते हैं सचिन सचिन ग्रेट प्लेयर एट होम पार्टी, तो मैं वो वहां से लिख के भेज देता हूँ सो आई विल बी एट होम। तो मैं भी घर में बैठा रहूँ ठीक से। खैर बहुत अच्छा तो ये हुआ कि मैं ठीक बहुत अच्छी गुजार गया, और अब जब थोड़ा सा रह गया है अब मैं क्या अपने आप को बदलूं? अब तो मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अब तो बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा। Vilayat Khan was deeply Indian in his cultural and philosophical position. He was a true champion of Indian traditions and culture, Indian sensibilities and aesthetics. These attributes oozed out of every musical note that he ever played. He never waited to get the due recognition that was warranted for such a towering giant. Perhaps his true worth will only be appreciated by posterity in full measure after his passing. सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। किसी दिन और टाइम मिलेगा तो आपको बहुत बैठ के समझाऊंगा क्या समझाया जाए कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। अरे यार, राधा कृष्ण से मिलने जा रही थी तो वो सोच रही थी कि मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगी, कहीं बारिश पड़ जाए तो मैं फिसल के गिर ना जाऊं। तो फिसल के गिरने का रियाज करती रही। मजेदार बात है कि जब वो जब आऊं भी ये मैं कर भी दूं तो अब क्या बोलूं? कह लेगे तूने कृष्णा में क्या देखा? तो छुप। अरे तूने कृष्णा में देखा क्या जो तू बावली हुई फिर रही है उसके पीछे? जब बहुत ही उससे जिद करी तो कहने लगी इसने देखा है और ये बोल सकती है, इसके पास जबान नहीं है, इसके पास आंख नहीं है, ये बोल नहीं सकती, ये देख नहीं सकती, दोनों ही सभी मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं बता सकती, मैंने कृष्णा में क्या देखा? तो इसके बारे में क्या कहा जाए? Cut.